स्वागत है आप लोगों का बैहक कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बीकॉम पार्ट टू कॉर्पोरेट अकाउंट का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट इज लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, लिक्विडेशन है पूछेगा ही, एग्जाम में पूछता ही है। डिस्क्राइब द डिफरेंस मेथड ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ लिक्विडेशन के क्या क्या मेथड है। आइए समझते हैं कि लिक्विडेशन क्या होता है। देखिए लिक्विडेशन का मतलब होता है जब कंपनी अपने लायबिलिटी को पे ऑफ नहीं कर सकती, जब उनका एसेट जो है कम हो जाता है, लायबिलिटी बढ़ जाती है, जितने एसेट्स हैं सब पे करके भी लायबिलिटी बच जाती है तो कंपनी क्या हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है, कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी टेक प्लेस अंडर बोथ द केस, नेमली व्हेन कंपनी इज इंसॉल्वेंट, जब कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जब कंपनी अपना लायबिलिटी पे ऑफ नहीं कर पाती। When company is not insolvent, जब कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तब भी लिक्विडेट हो जाती है। दो केस, when company position is very sound, even then its member may like to wind। अरे कंपनी साउंड का मतलब अच्छे से चल रही है कंपनी, ठीक है, कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं हुई है बट उसके जो मेंबर है ना वो क्या चाहते हैं कि कंपनी को वाइंड कर दो। तो फॉर री इनकॉर्पोरेशन विच एक्सटेंड ऑब्स्टैक और एमलगमेशन विथ वन और मोर, या तो एमलगमेट कर दो तो उसको क्या कहेंगे, लिक्विडेशन। वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में टेक प्लेस इन वन ऑफ द फॉलोइंग वे, दो वे, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट, या तो कोर्ट बोल दे वाइंड कर देने, बंद कर देने, या वाइंडिंग अप बाय कोर्ट और कंपल्सरी वाइंडिंग अप हो गया। तीन तरह से कंपनी वाइंड अप होती है। तो वॉलेंट्री समझ में आ गया कि भाई कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए लिक्विडेशन इज मींस बाय विच द डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी इज ब्राउट अबाउट इट्स एसेस रियलाइज, जितने भी एसेस है उसे रियलाइज कर दिए, एंड अप्लाई इन पेमेंट ऑफ डेब्ट्स, सब एसेस को बेच दिए ताकि पेमेंट कर सके डेब्ट का, और डेब्ट पेरोड और बैलेंस अगर बच जाए रिमेनिंग इन बैंक मेंबर इन प्रोपोर्शन टू, बाकी जो बचेगा वो कौन देगा पैसा। अगर लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए कुछ लायबिलिटी बच जाए और सभी एसेस खत्म हो जाए तो पैसा कौन देगा, मेंबर देंगे इन प्रोपोर्शन टू देयर कंट्रीब्यूशन। समझ में आ गया। आइए अब देखते हैं वॉलेंट्री वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी क्या होता है। व्हेन मेंबर एंड क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी डिसाइड टू वाइंडिंग अप, समझ में आया, जब मेंबर और क्रेडिटर वाइंड अप करना चाहें तो उसे क्या कहते हैं, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कहते हैं। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप इज वेरी कॉमन बिकॉज दे आर नॉट सो रेस्ट्रिक्शन इन दिस टाइप ऑफ वाइंडिंग, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बहुत ही कॉमन है। मेंबर और क्रेडिटर चाहते हैं कि कंपनी वाइंड अप हो जाए, उसे वॉलेंट्री लिक्विडेशन कहते हैं। समझ में आ गया। अगर कोई पूछ दे कि भाई लिक्विडेशन कितने प्रकार के होते हैं तो हम बोलेंगे सर वॉलेंट्री होते हैं, एक होता है वाइंडिंग बाय कोर्ट और एक होता है कंपल्सरी वाइंडिंग अप। समझ में आया। और अगर कोई पूछ दे कि वॉलेंट्री वाइंडिंग अप क्या होता है तो आप बोलोगे भैया जो मेंबर और क्रेडिटर चाहते हैं, मेंबर और क्रेडिटर के चाहने पे वाइंडिंग अप किया जाता है, उसे वॉलेंट्री लिक्विडेशन कहा जाता है, ठीक है। मेंबर वाइंडिंग अप आइए देख लेते हैं। व्हेन अ मेंबर ऑफ कंपनी डिसाइड टू वाइंडिंग अप इवन व्हेन द फाइनेंशियल पोजीशन इज साउंड, भैया कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही अच्छा है लेकिन फिर भी मेंबर चाह रहे हैं कि वाइंडिंग अप हो जाए तो हम वाइंडिंग अप कर रहे हैं, एंड इट के पी ऑल डेब्ट्स देन वाइंडिंग अप इज कॉल्ड मेंबर वाइंडिंग, और सभी डेब्ट को हम पे कर देंगे, कंपनी पे कर देगी, उससे क्या कहेंगे, मेंबर वाइंडिंग अप हो जाएगा, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। क्रेडिटर वाइंडिंग अप क्या होता है, इफ देयर इज ए वॉलेंट्री वाइंडिंग अप इन विच डिक्लेयर सॉल्वेंसी हैज नॉट रिमेन, कंपनी का सॉल्वेंसी हैज नॉट रिमेन बाय डायरेक्टर, दिस वाइंडिंग अप इज कॉल्ड क्रेडिटर वाइंडिंग अप। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप व्हेन मीटिंग ऑफ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड नेक्स्ट डे इज फिक्स इन द मीटिंग ऑफ क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी, वन डे द डायरेक्टर प्रिसाइड्स इन द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर, इन दिस मीटिंग द होल स्टेट अफेयर ऑफ अ कंपनी इज प्लेस, द कंपनी रिसोल्यूशन पास इन द मीटिंग टू सेंट रजिस्ट्रेशन विद इन 10 डे डेट ऑफ रिसोल्यूशन, भैया कुल मिला के बोला कि रिसोल्यूशन पास होता है, डायरेक्टर मीटिंग करता है, उस मीटिंग में क्या होता है कि मेंबर और क्रेडिटर भी अपॉइंट करते हैं लिक्विडेटर इन द मीटिंग, अपने अपने लिक्विडेटर अपॉइंट करते हैं, यानी बोथ पार्टी अपॉइंट डिफरेंट पर्सन, जो कि लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, और लिक्विडेटर ही क्या करता है, कंपनी को लिक्विडेट करने का काम करता है। समझ में आ गया। तो क्रेडिटर वाइंडिंग अप, लिक्विडेटर अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट, लिक्विडेट होगी कंपनी इन सुपरविजन ऑफ कोर्ट, एट आफ्टर टाइम कंपनी पास रिसोल्यूशन फॉर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, कंपनी खुद रिसोल्यूशन कर रही है कि हमें वाइंडिंग अप होना है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ऑर्डर देगा कि वॉलेंट्री वाइंडिंग अप शैल कंटिन्यू बट सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट, कोर्ट के देखरेख में होगा, ठीक है, विथ सच लिबर्टी फॉर क्रेडिटर,
कंट्रीब्यूशन ऑन देयर अदर अप्लाई टू कोड एंड जनरली ऑन सिस्टम कंडीशन ऑफ देयर कोड थिंक जस्ट दिस टाइप लिक्विडेशन इज कॉल्ड लिक्विडेशन अंडर सुपरविजन ऑफ कोड। वही बात है कि कोड क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, कंपनी वॉलेंट्री वाइंडिंग अप होनी चाहिए, कंपनी इंस्टॉलमेंट नहीं हो चुकी है, कंपनी वॉलेंट्री चाहती है कि वाइंडिंग अप हो जाए, तो कोड क्या करेगा, ऑर्डर देगा कि हाँ भाई वाइंडिंग अप क्या करो, कंटिन्यू करो। समझ में आ गया। कंपल्सरी लिक्विडेशन, भाई कंपल्सरी अब लिक्विडेशन हो सका, क्यों सर क्यों, कंपल्सरी बंद करना है कंपनी को, क्यों, इफ कंपनी हैज स्पेशल रिसोल्यूशन रिसोल्व द कंपनी। अब रिसोल्यूशन कंपनी का ये कहता है कि भाई वाउंड अप होना चाहिए, तो कोर्ट वाउंड अप कर देगा, वाउंड अप कर देगा। इफ डिफॉल्ट इज मेड इन स्टेटरी रिपोर्ट, देखिए स्टेटरी रिपोर्ट में कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, तो डिफॉल्ट कर रही है तो वाइंड अप कर दूँ। इफ कंपनी डजेंट कॉमेंस इज बिजनेस विद इन ए ईयर फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, कंपनी ने जिस साल इनकॉर्पोरेट किया, कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, तो कंपनी को क्या करेंगे, वाइंडिंग अप करना पड़ेगा, कंपलसरी कोर्ट का ऑर्डर आएगा। इफ नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस, देखिए कंपनी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में, जबकि आप जान रहे हैं प्राइवेट पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर चाहिए और पब्लिक प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर चाहिए, और पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर चाहिए, अगर घट जाएंगे तो कंपनी को वाउंड अप करना पड़ेगा। इफ कंपनी अनेबल टू पे डेप्ट, क्या बोलती पब्लिक, कंपनी जो है अपने जो डेप्ट है ना, डेप्ट अपने लाइबिलिटी डेप्ट को पे नहीं कर पा रही है, अनेबल टू पे, तो कोर्ट क्या करेगा, कंपलसरी वाइंड अप कर देगा, लिक्विडेट कर देगा। इफ कोर्ट इज द ओपिनियन दैट इज जस्ट एन इक्विटेबल दैट कंपनी शुड बी वाउंड अप, कोर्ट ने बोला कि भैया कंपनी को वाउंड अप करना है, तो वाइंड अप होगा। समझ में आ गया ना। चलिए ये सब तो नीचे आइए, मेन चीज़ तो ये है भाई, डिफरेंस बिटवीन लिक्विडेशन एंड लिक्विडेशन डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी। मैंने हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि सर लिक्विडेशन क्या होता है, आइए पहले हम बात करते हैं फिर से, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि सर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी क्या होता है। मैंने आपको बताया, अच्छे से मैंने टाइम दिया और आपको समझाया, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड ऑफ लिक्विडेशन, ये भी मैंने आपको बता दिया, बताया कि नहीं आप बोलिए। मैंने बताया ना कि तीन तरीके से हम लिक्विडेट करते हैं कंपनी को, वो तीनों बता दिया। अब हम करेंगे डिफरेंस कि भाई लिक्विडेशन जो है वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी में क्या अंतर, लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, वाइंडिंग अप, समझ रहे हो ना, कंपनी को बंद करना, कंपनी लिक्विडेट हो रही है हम कहते हैं। तो जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो कंपनी क्यों लिक्विडेट होती है, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो जाती है, वो अपने डेब्ट को पे नहीं कर सकती, अनेबल टू पे डेब्ट, तो कंपलसरी वाउंड अप करना पड़ता है। तो वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन में क्या अंतर है, द कंपनी रिमेंस इन एग्जिस्टेंस वाइंडिंग अप अंटिल द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप कंप्लीट है, कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी जब तक वाइंडिंग अप का जो प्रोसेस है, ऑब्वियस सी बात है कि लिक्विडेटर अपॉइंट करती है कोर्ट, उसके बाद उसमें बहुत टाइम लगता है, सब एसेस को बेचना, सब लाइबिलिटी को पे ऑफ करना, तो इसमें टाइम लगता है, जब तक टाइम लगता है तब तक कंपनी एग्जिस्टेंस करेगी। बट इसका एग्जिस्टेंस क्या होता है, खत्म हो जाता है, जब डिसोल्यूशन का मतलब भाई खत्म, कंपनी खत्म, फर्म खत्म, लेकिन इसमें वाइंडिंग अप में क्या होता है, टाइम लगता है, समझ रहे हो ना, एक कंपनी खड़े करने में कितना टाइम लगता है, और उसे बंद एक मिनट में थोड़ी हो जाएगा, बहुत टाइम लगता है, सालों साल लग जाते हैं, ठीक है, कोर्ट का पहले तो ऑर्डर आने में कितना टाइम लगता है, तो वही तब तक कंपनी जो है रहेगी। समझ में आ गया। क्रेडिटर ऑफ कंपनी हैव वेरीफिकेशन देयर क्लेम, और यहाँ पर वेरीफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। समझ में आ गया। रीजन ऑफ वाइंडिंग अप क्रेडिटर आर गिवन, हाँ तो रीजन जो है वो क्रेडिटर गिवन सेक्शन ये सब में दिया गया है। रीजन ऑफ डिसोल्यूशन कंपनी आर गिवन इन सेक्शन, तीन सेक्शन है, तीनों सेक्शन अलग अलग है दोनों में, ठीक है। द होल प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप कंपनी इज कंप्लीटेड बाई लिक्विडेटर, पहले बोला एक लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, वही सब कुछ देख रेख करके सब कुछ सेटल करेगा, नो क्वेश्चन है यहाँ पर, लिक्विडेटर का कोई क्वेश्चन ही नहीं आया होगा डिसोल्यूशन में। इन वाइंडिंग अप लिक्विडेशन में रियलाइज ऑल एसेस एंड लायबिलिटी आर पे ऑफ, बोल दिया कि भाई एक लिक्विडेटर आएगा, वो क्या करेगा, लायबिलिटी को पे ऑफ करेगा, एसेस को रियलाइज कर देगा, और द कंपनी इज डिजॉल्व आफ्टर डन ऑल, कंपनी बंद होती है, डिजॉल्व होती है, ये सब काम पहले ही कर लेती है, उसके बाद डिजॉल्व होती है। इसको वाइंडिंग अप इज ए मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी एंड डिसोल्यूशन इनकॉर्पोरेट द वाइंडिंग अप एंड नो कंपनी कैन बी डिजॉल्व विदाउट वाइंडिंग अप, कोई भी कंपनी डिसॉल्व नहीं हो सकती विदाउट वाइंडिंग अप, तो वाइंडिंग अप जरूरी है, बट वाइंडिंग अप एक मेथड है डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और हाँ कॉमेंट में आप लोगों को बताना है कि सर कितना अच्छा आप लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ आ रहा है कि नहीं, और हाँ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, भूलिए मत, टेलीग्राम चैनल पर ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कितना लिखोगे भैया, पीडीएफ डाउनलोड करो और याद करो अच्छे से, समझ के समझा तो मैं दिया हूँ ना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, चिंता की बात नहीं है, इससे पहले दो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा हूँ हमारे चैनल पर।
अपलोडेड हैं, जैसे एमलगेमेशन क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी क्या होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।